बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अब हम यूरोप की हिस्ट्री ब्रीफ सी करेंगे। सबसे पहले हम यूरोप के सेंट्रल रिलीजन जो क्रिश्चियनिटी है किस तरीके से फैला, फिर क्रिश्चियनिटी में दो मेजर जो इनक्लेव्स बने जिसको कहती हैं स्किस्म इन कैथोलिक चर्च, एक रोमन कैथोलिक और एक ग्रीक ऑर्थोडॉक्स चर्च या ऑर्थोडॉक्स चर्च। फिर उसके बाद एक बड़ा जो है स्प्लिट उस वक्त आता है जब प्रोटेस्टेंटिज्म उभरती है और उसके बाद जो वॉर होती है। इस चीज़ को हम थोड़ा सा ब्रीफ सा इसको देखेंगे। क्रिश्चियनिटी का आगाज़ हमने पिछले लेक्चर्स में कुछ देखा कि हुआ इस एरिया से। ये आपके सामने एरिया है, इसको कहते हैं मिडल ईस्ट का एरिया या आप फलस्तीन का एरिया इसको बोल सकते हो। उसके पास पास के एरियाज भी हैं जैसे ऊपर सीरिया है वगैरह वगैरह, तो ये पैलेस्टाइन का एरिया हम इसको बोल सकते हैं। पैलेस्टाइन या फलस्तीन में ज्यूस ने जब आके रहना शुरू कर दिया तो ऑलमोस्ट फर्स्ट सेंचुरी BC में। अब ज्यूस जो हैं वो अपने आप को एक चोजन या खुदा के बहुत क्लोज एक कम्युनिटी समझती थी अपने आप को, और फलस्तीन के ऊपर उनको वो समझते थे कि खुदा की रहमत है। और वो उनका बिलीफ एक और चीज़ के ऊपर भी था कि जब भी कोई ट्रबल आएगी उनके ऊपर तो अल्लाह ताला आसमान से कोई मसाया भेज देंगे। व्हाट वाज द कॉन्सेप्ट ऑफ मसाया इन देयर ओन व्यूज वाज पार्ट मैन पार्ट गॉड। तो इस तरीके से दे वर वेरी हैप्पी पीपल देयर। But first century BC when Romans conquered Palestine, they resented against that conquest and they did not like it. So they started waiting for a Messiah, and this Messiah came in form of Jesus Christ, peace be upon him, जो कि 2000 साल पहले, जबकि फिलिस्तीन में ज्यूस कब से रह रहे हैं 3500 बरस पहले से रह रही हैं, और 2000 तक कितना हो गया 1500 साल तक अभी वो रह रहे हैं यहाँ पर। तो फलस्तीन में जब रोमन्स ने कॉन्कर किया फर्स्ट सेंचुरी BC में, ऑलमोस्ट 60 या 65 ईयर BC में, जब BC जब बिफोर क्राइस्ट या बिफोर द बर्थ ऑफ क्राइस्ट कुछ तकरीबन 62 साल पहले रोमन्स वहाँ पे आए, उन्होंने कॉन्कर कर लिया वो वाला एरिया। और उसके बाद फिर उनके दिल में ये रंजिश थी कि रोमन्स ने फलस्तीन को कॉन्कर क्यों किया है। दे वर वेटिंग फॉर मसाया बिकॉज दे हैड द बिलीव दैट अ मसाया वुड कम वेन एवर दे वुड कम अंडर एनी ट्रबल। सो मसाया केम इन फॉर्म ऑफ क्राइस्ट जीसस क्राइस्ट पीस बी अपॉन हिम, बट दे डिड नॉट एक्सेप्ट जीसस क्राइस्ट। व्हाई डिडंट दे एक्सेप्ट? बिकॉज दे थॉट दैट मसाया was a warrior for which they were waiting, and this warrior would wage a war against the Romans and would turn them out of their area, because before them many prophets which were descended upon them whom they called Messiah were mostly the warriors and they led them in the battlefield against the opponents. But this time this wasn't a warrior. Actually Jesus Christ, peace be upon him, preached love, peace and brotherhood and forgiveness according to Bible. You know, they did not accept the Messiah. Even Jesus Christ, peace be upon him, called himself a Jew, that he was a Jew descended by God or sent by God with a new message to lead, or with a new message which was the extension of the same old message brought by Moses, peace be upon him, and the other messiahs of Jews. So he claimed himself to be a Jew, but he had come here, he claimed he had come here to lead the lost sheep of the house of Judea. I mean, Jews ko lead karne ke liye aaye the, but Jews rejected him. He also criticized some of the ways of the Jews, and Jews turned against him. Christ, peace be upon him, was persecuted by them, and then he toured around Palestine. There he garnered some of the support from from the people. Out of those people, there were 12
you know, very die-hard companions of Jesus Christ. According to Bible, they were called as apostles, or they were called as disciples. The 12 they were. Or the topmost, according to Roman Catholic, is Peter, Saint Peter. Unka naam Saint Peter unhone rakha. Acha. अब ये जो ये जो क्रिश्चियन जब जब बहुत ज़्यादा तंग हो गए ज्यूज क्राइस्ट पीस पी अपॉन हिम से, तो उन्होंने कंप्लेंट कर दी रोमन गवर्नर जो कि उस वक़्त के जेरूसलम के पैलेस्टाइन के गवर्नर थे, उनका नाम था पायलेट, गवर्नर पायलेट. लेकिन गवर्नर पायलेट डिड नॉट फाइंड जीसस क्राइस्ट पीस पी अपॉन हिम एज अ रेबल, बिकॉज उन्होंने जब इन्वेस्टिगेट किया तो ही वॉज़न्ट फाउंड अ रेबल. उन्होंने उनको पकड़ के ज्यूस के हवाले कर दिया, क्योंकि ज्यूस को पैसिफाई करना बहुत ज़रूरी था उस रीजन में. और ज्यूस की कोर्ट ने उनके ऊपर मुकदमा चलाया, एंड इट वॉज डिसाइडेड दैट जीसस क्राइस्ट पीस बी अपॉन हिम शुड बी क्रूसिफिक्स्ड. तो रोमन गवर्नर को उन्होंने कहा कि उनको क्रूसिफाई किया जाए, और क्रूसिफिक्स उस जमाने में उस वक्त के इंतहाई ज़ालिम किस्म के क्रिमिनल्स को किया जाता था. गवर्नर को ज्यूस की बात माननी पड़ी और उनको दूर डेजर्ट में ले जाके क्रूसिफिक्स कर दिया गया. ही वॉज पुट ऑन द क्रॉस. और इसके बाद कहा जाता है, अकॉर्डिंग टू बाइबल, आई एम टेलिंग यू दिस स्टोरी अकॉर्डिंग टू बाइबल. तो इसके बाद बाइबल ये कहती है कि जो उनके डिसाइपल्स हैं, दे क्लेम्ड, आई मीन दे टुक दैट assertions from their disciples, that some of the disciples saw Jesus Christ, peace be upon him, resurrecting from his grave after 3 days. 3 dinon ke baad wo dobara se zinda hue, grave mein se, apni kabar mein se, aur some of the disciples reported it, ke wo zinda hue 3 dinon ke baad, and then he remained for 40 days among his disciples. Only his disciples could see him or his spirit. And then afterwards he went to heavens. तो ये रिपोर्ट किया जाता है कि 3 दिन के बाद रिसरेक्ट हुए और फिर 40 दिन के दरमियान में रहे. एंड अकॉर्डिंग टू डिसाइपल्स, उन्होंने उनको कहा कि आप सिर्फ ज्यूस के ऊपर ही प्रीचिंग ना करें, बल्कि पूरे इलाके में या दूसरे लोगों तक भी मेरा मैसेज जो पीस का है, फॉरगिवनेस का, वो फैला दें. देन आफ्टरवर्ड्स यहाँ से पैलेस्टाइन से या फलस्तीन से वो निकले, उनके डिसाइपल्स और उसके बाद आने वाले उनके जो डिफरेंट फॉलोअर्स हैं, वो यहाँ से निकले और मेडिटेरेनियन सी के आसपास फैल गए, ख़ास तौर पे नॉर्दर्न अफ्रीका में, जिसमें आप इजिप्ट में बहुत सारी क्रिश्चियनिटी फैली, यहाँ पे लीबिया में फैली, फिर अल्जीयर में फैली, मोरक्को तक. इसके बाद ऊपर की तरफ आते हैं तो इधर सीरिया में फैली, सीरिया के बाद वो यहाँ टर्की, जो आज का टर्की है, वो वहाँ पर चले गए. उसके बाद ये रोमन उस वक़्त की एम्पायर का जो सेंटर था, ये था जो कि ईस्ट यूरोप है. और जो मैंने आपको बताया था पिछले लेक्चर्स में, ये बलकान का रीजन है, बलकान का रीजन, जो कि यहां से स्टार्ट होकर यहां तक एक माउंटेन रेंज है. यहां पे क्रिश्चियनिटी को फैलना शुरू किया, और इसके बाद फॉलोअर्स निकल के इन इलाकों के अंदर भी क्रिश्चियनिटी फैलाई. एक वक्त था कि क्रिश्चियनिटी एक पावर बन गई यहां पर, और रोमन जो थे, रोमन्स क्योंकि वो सन वर्शिपर्स थे, सूरज की पूजा करने वाले थे, दैट इज व्हाई दे वर कॉल्ड एज पैगन्स, काफर, पैगन्स, काफर. तो उन्होंने जब नए दीन को फैलते हुए देखा, तो उनके खिलाफ पर्सिक्यूशन का एक सिलसिला स्टार्ट कर दिया. एंड मैनी क्रिश्चियंस वर पर्सिक्यूटेड, दे वर यू नो मर्डर्ड, एंड दे वर पुट टू टॉर्चर, दे वर इवन मैनी रोमन गवर्नर्स, दे थ्रू देम इन टू द फाइटिंग अरीना in front of the hungry beasts. So, bahut sari persecution, still it was spreading like anything in European countries, most importantly in this area, which were called Roman area. I mean, Roman area kaun sa tha? Ye wala area tha, Roman area. This was mostly considered to be the Roman area. Ye wala, ye Europe, uske baad ye Middle East, aur phir uske baad ye नॉर्दर्न जो अफ्रीका है, जो मेडिटेरेनियन सी के आसपास का इलाका है, इसको ये रोमन एम्पायर होती थी. तो यहाँ पे क्रिश्चियनिटी ने फैलना शुरू किया, और जब क्रिश्चियनिटी एक फॉर्मिडेबल पावर बन गई, तो अकॉर्डिंग टू डैन ब्राउन, जो डैन ब्राउन है वो बहुत बड़े जो है वो रिसर्चर हैं रिलीजन के ऊपर, और ख़ासतौर पर कैथोलिक चर्च के ऊपर उनकी काफ़ी है
साल की रिसर्च के बाद उन्होंने एक किताब लिखी थी जिसका नाम था डाविंची कोड। उसमें वो कहते हैं कि कॉन्स्टेंटाइन जो एक रोमन एम्परर है, ही प्लेड अ पॉलिटिकल मास्टर स्ट्रोक। कॉन्स्टेंटाइन 4th century AD में आया। 4th century AD का मतलब है 300 से लेकर 399 AD, इसके दरमियान में एक कॉन्स्टेंटाइन रोमन एम्परर आया। एंड ही कन्वर्टेड इनटू, अकॉर्डिंग टू सम डिटेल्स, ही वाज कन्वर्टेड इनटू क्रिश्चियनिटी एंड मेड क्रिश्चियनिटी एज एन ऑफिशियल रिलीजन ऑफ द रोमन एम्पायर। लेकिन अकॉर्डिंग टू डैन ब्राउन, वो एक बहुत बड़ा पॉलिटिकल माइंड था कॉन्स्टेंटाइन। वो अपनी रोमन एम्पायर जो बिखर रही थी उसको बचाना चाहता था, क्योंकि कॉन्फ्लिक्ट जो सन वर्शिपर्स और जो क्रिश्चियंस थे उनके दरमियान में, ऐसा लग रहा था कि क्रिश्चियन जो कि उठती हुई ताकत है वो अब इसकी एम्पायर को तोड़ देंगे। तो उनने कोशिश की कि क्रिश्चियंस को सन वर्शिप के रिलीजन के साथ मिला दिया जाए। एक बहुत बड़ी काउंसिल बैठी जिसमें क्रिश्चियन जो बड़े प्रीस्ट थे वो भी आए, और सन वर्शिप के बड़े प्रीस्ट आए, और उनके दरमियान में बहुत सारी डिस्कशंस काफ़ी दिनों तक चलती रही। और फिर एक नया रिलीजन निकाला गया जिसको कहा जाता है कैथोलिक चर्च। डैन ब्राउन के मुताबिक कैथोलिक चर्च जो है, इज द मिक्सचर ऑफ सन वर्शिप यानी पैगनिज्म एंड क्रिश्चियनिटी। सो दिस कैथोलिक चर्च टुडे वी फाइंड इज नॉट द ट्रू एंड जेन्युइन क्रिश्चियनिटी ऑफ द बाइबल व्हिच वाज ब्रॉट बाय जीसस क्राइस्ट पीस बी अपॉन हिम। तो वो कहता है कि जैसे मिसाल के तौर पर आज तक क्रिश्चियंस ये नहीं जानते हैं, बहुत सारे क्रिश्चियंस, कि उनका सही जो रिलीजियस डे है, जिस दिन जाके वो इबादत करते हैं, जैसे मुसलमानों का जुमा है, उनका सबात डे है। क्योंकि सबात डे जो सैटरडे को आता है यानी हफ्ते को, वही ज्यूस का था, और क्राइस्ट पीस भी अपॉन हिम, चूँकि ज्यू थे और नया रिलीजन नहीं लाए थे, तो वो सबात डे ही मनाया जाता था सही क्रिश्चियनिटी में। लेकिन बाद में क्या हुआ, जब सन वर्शिपर्स के इमेजेस और बहुत सारे बिलीव्स इसमें शामिल हुए, तो सन वर्शिपर्स एक दिन जाकर अपने सूरज की पूजा करते थे, उस दिन को कहते थे सूरज वाला दिन यानी सन डे। तो सन डे जो है वो सूरज वाला दिन था, उसी दिन अब क्रिश्चियंस जागे अपने चर्च में इबादत करते हैं। तो आज तक उनको ये नहीं पता चल सका कि ये जो सन डे है, ये दिस वॉज द डे ऑफ द सन व्हेन ऑल ऑफ द सन वर्शिपर्स वेंट एंड दे वर्शिप द सन। देन एक थी गॉड इसिस, गॉडेस इसिस थी, ही शी मरेक्युलसली बोर अ चाइल्ड, उसका नाम था गॉड मिथ्रा। गॉड मिथ्रा ये ग्रीक जो है मिथोलॉजी में या ग्रीक रिलीजन में शामिल था, क्योंकि ग्रीक रिलीजन में ही सन वर्शिपिंग थी, और उसके बाद रोमन्स को भी वही लेगेसी के तौर पर मिली। तो गॉडेस इसिस जो है, उसके बहुत सारे इमेजेस जो वो अपने बेटे मिरेक्युलसली, ही वाज बोर्न विदाउट अ फादर, उसको अपनी गोद में बिठा के, तो शी मोस्टली वाज फीडिंग, वाज गिविंग फीड टू मिथ्रा। तो इसी इमेज को लेकर हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम यानी होली मेरी और क्राइस्ट पीस पी अपॉन हिम का इमेज बना दिया गया कि कैसे वो अपने बेटे को लेकर इस तरीके से फीड कर रही हैं। और एक हेलो अक्सर होली मेरी और क्राइस्ट के दरमियान इस तरीके से बनाते हैं, ये हेलो। अब आप इस हेलो को देखो, तो ये डैन ब्राउन कहता है कि ये हेलो जो था यहाँ पे, फ़र्ज़ करें किसी की जो है क्राइस्ट पीस पी अपॉन हिम या फिर किसी की शक्ल बनाई और इस तरीके से हेलो बना दिया जाता है, एक हाला सा, ये हाला सन वर्शिपर्स बनाते थे सूरज को सिग्निफाई करने के लिए। लेकिन अब ये हेलो बनाया जाता है गॉड को या फिर क्राइस्ट पीस पी अपॉन हिम को या फिर होली मेरी को प्रेजेंट करने के लिए उनके इर्द गिर्द। तो वो कहते हैं कि इस तरीके से कैथोलिक चर्च और कैथोलिक क्रिश्चियन क्रिश्चियनिटी वॉज मेड एक्सेप्टेबल टू सन वर्शिपर्स हु वर ऑल्सो इन मेजोरिटी इन रोमन एम्पायर, एंड देन इट वॉज मेड एक्सेप्टेबल फॉर द क्रिश्चियनिटी इन रिटर्न। दे गॉट दिस ऑफिशियल डिक्लेयर्ड एज एन ऑफिशियल रिलीजन ऑफ रोमन एम्पायर। तो उनके सामने उन्होंने दिखाया, कॉन्स्टेंटाइन ने दिखाया
एम्परर कॉन्स्टेंटाइन, एम्परर कॉन्स्टेंटाइन कब आते हैं? 14th century. 14th century का क्या मतलब है? 1300 से लेकर 1399 तक. तो कॉन्स्टेंटाइन जो रोमन जो एम्परर कॉन्स्टेंटाइन है, ही डिक्लेयर्ड हिमसेल्फ अ क्रिश्चियन. ही एक्सेप्टेड क्रिश्चियनिटी. ही डिक्लेयर्ड क्रिश्चियनिटी एज द ऑफिशियल रिलीजन ऑफ रोम, एंड दस इट वॉज मेड एक्सेप्टेबल टू बोथ सन वर्शिपर्स एंड क्रिश्चियंस. और इसके बाद फिर बड़ी तेजी के साथ यहाँ पे फैला, क्योंकि अब ऑफिशियल रिलीजन बन गया था. अब इस कुछ अरसा ऐसा भी रहा, जैसे 4th century, 5th, 5th century में ऊपर से नॉर्थ से जो जो खास यो होर्ड्स थे वो आके हमले करते रहे यूरोपियन कंट्रीज़ के ऊपर, और वो अपना जो पैगन रिलीजन है वो लेके आते रहे, बिकॉज दे वर्शिप दे ओन गॉड्स. तो जर्मनी, पोलैंड और ये नॉर्दर्न एरियाज में से जो क्रिश्चियनिटी ऑलमोस्ट डिसअपीयर हो गई. लेकिन लेटर ऑन इट वाज वंस अगेन, बिकॉज इटली के अंदर और सदर्न पार्ट के अंदर क्रिश्चियनिटी अभी तक मजबूत गढ़ थी, और फिर यहाँ से निकल के उसने फैलना शुरू कर दिया जब वो जो नॉर्दर्न हमले जो हैं ख़त्म हुए उन ट्राइब्स के या उन अनसिविलाइज्ड पीपल के, दोस्त हु केम डाउन फ्रॉम द नॉर्दर्न पार्ट, वेरी नॉर्दर्न पार्ट. ओके, यहाँ तक हो गया क्रिश्चियन. अब हम आते हैं उस दौर में जब इस्लाम से कुछ देर पहले का दौर है. रोमन एम्पायर जब यहाँ से ख़त्म हो गई, वो टूट गई. यानी रोमन एम्पायर ये एक बहुत बड़ी एम्पायर थी, यानी मेडिटेरेनियन सी के आसपास का जितना भी इलाका है, चाहे वो अफ्रीका का है, ये मिडल ईस्ट का इलाका है, और ऑलमोस्ट सारे का सारा उस वक्त का यूरोप ये उस वक्त मौजूद था. तो जब ये रोमन एम्पायर ख़त्म हो गई, तो उसके उसको रिप्लेस करने के लिए एक एम्पायर यहाँ पे बनी इस एरिया में, जहाँ पे मैंने आपको कहा था कि किसी ज़माने में ऑटोमन एम्पायर रही है. ऑटोमन्स उसके पास आए, लेकिन उस वक़्त ये एक एम्पायर बनी जो क्रिश्चियंस थे, और इन्होंने इसको कहा कि ये क्रिश्चियन रोमन एम्पायर है, और वो बाइजेंटियन कहलाए. बाइजेंटियंस, उनको क्या बोला जाता था? दे वर कॉल्ड एज बाइजेंटियंस, Byzantians. अब इसको याद रखने के लिए मैं आपको बता दूं कि दीज वर दोज Byzantians जो ऑलमोस्ट ये सीरिया तक और इसके नीचे यहाँ तक पैलेस्टाइन तक और इधर तक आ गए थे. और इनको मुसलमान जब इस्लाम यहाँ पे इमर्ज हुआ, मक्का और मदीना में जब इस्लाम इमर्ज हुआ, तो यहाँ काफ़िले जाते थे इधर रोम में. वो कहते थे हम रोम में तिजारत करने के लिए जा रहे, फिर नीचे आते थे. इवन सीरिया का इलाका भी रोम कहलाता था, और उसके ऊपर टर्की, ये सारे रोम के इलाकों में शामिल थे. लेकिन वो रोम, वो वाला रोम नहीं था जो पहले वाला रोम था जो बहुत बड़ा, ये वाला था अब बाइजेंटियन एम्पायर, जिसके बादशाह का नाम था हेरेक्युलस. यानी उसको हेरेक्युलस बोलते, ये वो हरकुलिस वाला हेरेक्युलस नहीं है, ये हेरेक्युलस बोलते थे, और मुसलमान इनको उसको कैसर बोलते थे. यहाँ पर जो अरब्स थे उसको कैसर बोलते थे, और उसकी सीट ये थी कॉन्स्टेंटिनोपल. ये जो थी कॉन्स्टेंटिनोपल, उसकी ये सीट थी. अब आपको मैं बताता चलूँ कि कॉन्स्टेंटिनोपल में एक बहुत बड़ा बेसिलिका था. बेसिलिका कहते हैं एक चर्च, सबसे बड़ा चर्च या सेंट्रल पॉइंट ऑफ द रिलीजन. वहाँ पर ऑर्थोडॉक्स चर्च उसको बोला जाता था, या ईस्टर्न ऑर्थोडॉक्स चर्च. एक और बड़ा चर्च था जो यहाँ इटली में रोम के मुकाम पर था, और इसको रोमन कैथोलिक चर्च बोला जाता था. और ये क्लेम करते थे कि जो रोमन एम्पायर में सबसे पहले बना था कैथोलिक चर्च, जो के कॉन्स्टेंटाइन ने जिसको दो रिलीजन्स को फ्यूज़ करके जो सबसे पहले उसके बाद बनाया था उनके प्रीस्ट्स ने, वो रोमन कैथोलिक चर्च था. एक बड़ा चर्च जो सेंट्रल पोजीशन पे था वो ये था, इसको ऑर्थोडॉक्स चर्च बोलते हैं. इन दोनों में इख्तलाफात थे. अब इसको कहा जाता है, ज़्यादातर वेस्ट में इसके ऊपर अमल किया जाता था, इसकी आइडियोलॉजी के ऊपर, जिसको बोलते हैं रोमन कैथोलिक चर्च. और ईस्टर्न यूरोप में, इंक्लूडिंग रशिया और ईस्टर्न यूरोप, यहाँ वो अमल करते थे इस ऑर्थोडॉक्स चर्च
के ऊपर। अब क्या था ये स्केज्म? स्केज्म यानी ये तफरका, दोनों एक ही सेक्ट के थे। जैसे कि हम समझ लें कि एक ही हमारे मुसलमानों में एक ही सेक्ट बरेलवी है या देवबंदी है या अहले हदीस है, मगर उनके दो टुकड़े बन गए हों। वो जो स्केज्म था वो था वेस्टर्न रोमन कैथोलिक वर्सेस ईस्टर्न ऑर्थोडॉक्स चर्च। ये भी इसको भी ईस्टर्न ऑर्थोडॉक्स कैथोलिक चर्च ही बोलते थे, ऑर्थोडॉक्स कैथोलिक चर्च और रोमन कैथोलिक चर्च। लेकिन ये वेस्ट में था, वेस्टर्न पीपल ज़्यादा इसके ऊपर यकीन रखते थे, ईस्ट में यकीन रखते थे इसको जो ऑर्थोडॉक्स चर्च है। इसका मेन बेसिलिका आपने नाम आजकल सुना होगा, हया सोफिया, यानी HAGIA, हया सोफिया, SOFIA, जिसको अभी रिसेंटली तैयब अर्दोगान ने 2020 में उसे दोबारा से मस्जिद बनाने का ऐलान किया है। वो बेसिलिका यहाँ पे था जो सेंट्रल पॉइंट था रिलीजन का, किसका? ईस्टर्न ऑर्थोडॉक्स चर्च का। अब मैं फ़र्क इन दोनों में बता दूँ, थोड़ा सा आइडियोलॉजिकल फ़र्क था इनमें। मतलब रोमन कैथोलिक चर्च जो है वो सुप्रीमेसी के ऊपर यकीन रखते थे पोप की, लेकिन ये पोप की सुप्रीमेसी के ऊपर यकीन रखते थे। इनके पोप का नाम पोप नहीं होता था, इसको कहते थे पेट्रियार्क, यानी के फादर पेट्रियार्क, और इनके चर्च को पेट्रियार्कट बोलते थे, पेट्रियार्कट। तो मेन पेट्रियार्कट हया सोफिया में था, जिसको बेसिलिका बोलते थे, मेन चर्च बेसिलिका। और मैं चर्च, एक चर्च नहीं होता, चर्च की बहुत सारी बिल्डिंग्स होती थी, तो बेसिलिका और पेट्रियार्कट इसको बोलते थे। तो इन दोनों में फ़र्क ये था कि ये जो पेट्रियार्क वो कहते थे, पेट्रियार्क जो है वो सुप्रीम नहीं होता। अच्छा, वो रोमन कैथोलिक चर्च वाले कहते थे कि जो पोप है, जो मेन रिलीजियस लीडर है, ही इज इनफॉलेबल, यानी उसे गलती नहीं हो सकती, वो पाक है, वो मासूम होता है। जबकि ये कहते थे कि नहीं, हमारा पेट्रियार्क यानी पोप जो है उसे गलती हो सकती है, वो भी इंसान है। वो कहते थे कि चूंकि वो आला ज़र्फ इंसान है, तो वो छोटे मोटे इंसानों वाले काम नहीं करेगा, जैसे शादी करना, बच्चे पैदा करना। तो हमारे प्रीस्ट जो हैं वो बच्चे पैदा नहीं कर सकते हैं, ये शादी नहीं कर सकते, क्योंकि ये इन्फीरियर किस्म का काम है। इसको वो बोलते थे कि जो प्रीस्ट है वो औलाद के बगैर उसकी सारी औलाद होती है। ये कहते थे कि नहीं, प्रीस्ट को शादी करनी चाहिए। तो ये थोड़े से फ़र्क थे, कोई इतना बड़ा बिलीफ का फ़र्क नहीं था, ये थोड़े। लेकिन मेन फ़र्क क्या था? मेन फ़र्क था पॉलिटिकल पावर का। रोमन कैथोलिक चर्च वाले चाहते थे कि वेस्ट की पॉलिटिकल पावर हो, और उस पॉलिटिकल पावर के ऊपर रोमन पोप का कब्जा हो, क्योंकि पोप सबसे सुप्रीम अथॉरिटी समझा जाता था सारे के सारे रीजन में। इवन के किसी मुल्क या किसी जो फीफ्टम है उसके सरबराह ने अगर ताजपोशी भी करनी है, तो जब तक पोप उसको अपनी मर्जी नहीं देगा, उस वक्त तक वो नहीं बादशाह बन सकता, या उसकी लेजिटिमेसी नहीं हो सकती। तो इसको समझ लें कि पोप के पास कितनी पावर होती थी। अब दूसरी तरफ ये ईस्टर्न कैथोलिक चर्च था, वो बाइजेंटियन पावर को चाहता था। तो बाइजेंटियन पावर और इनमें आपस में ईस्ट और वेस्ट के दरमियान में झगड़ा भी चलता था कि कौन यूरोप का सही मास्टर है, और कौन सा वाला चर्च सही सुप्रीम है सारे यूरोप के ऊपर। इसमें मैं आपको बताता हूँ कि जब मुसलमानों ने कब्ज़ा किया बाइजेंटियन एम्पायर के ऊपर ऑटोमन्स ने, और ख़ास तौर पे 1453 में, 1453 सुल्तान मोहम्मद फातेह, इन्होंने, उनको सुल्तान मोहम्मद टू भी बोला जाता है, क्योंकि उनके उनके बड़ों
में से एक थे सुल्तान मोहम्मद वन। तो सुल्तान मोहम्मद फाते ने जब इसके ऊपर कब्जा किया, खासतौर पे कॉन्स्टेंटिनोपल के ऊपर, और इसके बाद हया सोफिया के ऊपर भी कब्जा कर लिया, जो मेन चर्च था वहाँ का या बसीलिका था, तो उसको उन्होंने मस्जिद में कन्वर्ट कर दिया और हैरान रह गए उसकी खूबसूरती को देख के। बहुत खूबसूरत उन्होंने वहाँ पर एक बसीलिका बनाया था। इनके ख़त्म होने के बाद अब उजारादारी सिर्फ एक चर्च की रह गई, और वो चर्च कौन था? रोमन कैथोलिक चर्च। लेकिन आज भी जो ऑर्थोडॉक्स चर्च को मानने वाले हैं वो ग्रीस में रहते हैं, और उसके अलावा ईस्टर्न यूरोप की में भी काफ़ी लोग हैं, और रशिया में ख़ास तौर पर। हमें पता आज जो है वो ये 1453 में जो सुल्तान मोहम्मद टू ने इसको कन्वर्ट किया था मस्जिद में, तो आकर मुस्तफ़ा कमाल अतातुर्क ने 1930s में इसको दोबारा से एक म्यूज़ियम बना दिया था, और कहा था कि क्रिश्चियंस और मुसलमान दोनों के लिए ये खुला रहेगा। तो अब दोबारा से जब चेंज किया है उसका ये स्टेटस इनटू मस्जिद बाय तय्यब अर्दोगान, द प्रेजेंट यू नो प्रेसिडेंट ऑफ टर्की, तो सबसे ज़्यादा जो प्रोटेस्ट आया है वो ग्रीस से आया है और रशिया से, क्योंकि वो ऑर्थोडॉक्स चर्च को मानने वाले हैं। अब आगे हम डिवाइड की बात करते हैं, ऑनवर्ड। ऑनवर्ड जब डिवाइड की हम बात करें तो एक और डिवाइड आती है। मैंने आपको बताया कि रोमन कैथोलिक सिर्फ एक ही चर्च रह गया, और फिर वो बहुत पावरफुल हो गया, इवन के इतना पावरफुल हो गया कि बादशाहों और रूलर से भी ज़्यादा पावरफुल। हर शहर, हर रूलर अपने टैक्सेस का एक बहुत बड़ा हिस्सा पोप को भेजता था, और अपने बिशप्स जो कि पोप ने अपॉइंट किए होते थे हर रूलर की कंट्री में, उनको भेजता था, और पोप बहुत मजबूत और पावरफुल हो गया। उसकी आशीर्वाद के बगैर कोई डिसीजन लेने से कासर थे ये हुक्मरान। अब हम कहते हैं कि फिर इसकी अब हत्ता कि यहाँ तक आ गया, लालच और ग्रीड और पावर इतनी बढ़ गई इस कैथोलिक चर्च की, रोमन कैथोलिक चर्च की, कि इन्होंने लोगों से ये कहना शुरू कर दिया कि आप अपना माफ़ीनामा ले सकते हो हमसे पैसे देकर, और एक पार्डन्स जो हैं वो बिकने शुरू हो गए पूरे यूरोपियन इस लैंडस्केप में, और कहा जाने लगा कि जो भी आदमी जितना सिनफुल है, इट डजंट मीन दैट ही हैज़ टू गो टू द हेल, इफ़ ही वांट्स टू सेव हिमसेल्फ फ्रॉम गोइंग इनटू हेल देन ही हैज़ टू बाय द पार्डन, एंड दैट पार्डन विल बी फॉर सेल। तो पार्डन्स वर ऑन सेल एंड द पीपल बॉट देम फॉर अ ह्यूज सम्स ऑफ मनी, और कहा जाता था द मोर मनी यू गिव the greater the chances are to go to the heaven। तो इस तरीके से पैसा दे के आप जितने मर्जी क्राइम किए आप बच सकते थे। अब इसके खिलाफ एक रिएक्शन आना शुरू हुआ, और इस रिएक्शन ने और ख़ास तौर पे जो कैथोलिक चर्च की जो पावर थी उसके खिलाफ भी जो एक रिएक्शन आया, उस रिएक्शन ने यूरोप को दो हिस्सों में स्प्लिट कर दिया, एक प्रोटेस्टेंट और एक कैथोलिक। एक आदमी उठा 14वीं सदी में, 14 सेंचुरी का मतलब है 1300 से लेकर 1399 तक, उसका नाम था जॉन वाइक्लिफ। जॉन वाइक्लिफ का नाम मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, जॉन ये मैं इधर लिख रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे मेरे पास जगह नहीं है। जॉन वाइक्लिफ ये इंग्लैंड में पैदा हुआ, इसने ये कैथोलिक चर्च के इस अमल के बड़ा सख्त खिलाफ था। ही वॉन्टेड टू रिफॉर्म कैथोलिक चर्च because he and the other many people that did not like that you know pomp and show of the church। to isne sabse pehla hit kahan pe kiya, inne bible ko translate kiya english mein। ab ye ek simple si cheez samjhi aati hai, lekin ye simple nahi hai। iska matlab ye tha ki bible ko pope priests clergy इनके हाथों से निकालना, ताकि आम लोग समझ सकें कि बाइबल में क्या लिखा हुआ है, क्योंकि आम लोगों को जब पता नहीं था कि बाइबल में क्या लिखा हुआ, क्योंकि लैटिन में वो होती थी या ग्रीक में होती थी, जो 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 ऑर्थोडॉक्स चर्च था वो ग्रीक में लिखी जाती थी, तो इस वजह से लोगों को बेवकूफ़ बनाना बड़ा आसान था। तो इसको जब लिखा गया तो इसके खिलाफ
अब पोप ने हुक्म भेजा इंग्लैंड की हुकूमत को कि आप इसको पकड़ो और इसको पनिश करो, लेकिन उसकी खुशकिस्मती के हुकूमत उसकी फेवर में निकली, लेकिन उसको फिर भी हुकूमत को एग्जाइल करना पड़ा। पोप की इतनी पावरफुल जो है इन्फ्लुएंस था, हुकूमत उसके सामने ठहर नहीं सकती थी। आप समझें कि उस वक्त का अमेरिका था वो उस यूरोपियन कॉन्टिनेंट में, तो उसको एक विलेज में एग्जाइल पर मजबूर कर दिया और बाकी ज़िंदगी वाइकलिफ ने वहीं पर गुजारी। वाइकलिफ का नाम भूल भी जाएं, जॉन वाइकलिफ का, उससे अगला एक और ईस्टर्न यूरोपियन की किसी कंट्री में पैदा होता है, जॉन हस। अब 16th सेंचुरी में एक आदमी उभरा और एंड ही वॉज वेरी इंपॉर्टेंट, ही वॉज मोर इम्पॉर्टेंट दैन जॉन वाइकलिफ हु इमर्ज्ड इन 14th सेंचुरी एंड देन जॉन हस afterwards, you know, ये जो आदमी था he made a greater impact upon Europe and his name was Martin Luther. Martin, I'm writing down his name here, Martin Luther. ये Martin Luther था और जर्मनी में, जर्मनी के इलाके में ये उठा। जा रहा उसका जर्मनी नहीं थी, प्रूशिया की हुकूमत थी, लेकिन जर्मन था, ही वॉज जर्मन स्पीकिंग। तो मार्टिन लूथर एक्चुअली वॉज अ रोमन कैथोलिक प्रीस्ट, बट ही वॉज अपोज्ड टू द प्रैक्टिसेस ऑफ करप्ट प्रैक्टिसेस ऑफ पोप बिशप्स एंड रोमन कैथोलिक क्लर्जी। उसने अल्म बगावत बुलंद किया, उसने 95 क्वेश्चंस लिखे, उन्होंने कहा कि मुझे पोप जवाब दे और कैथोलिक चर्च के मानने वाले जवाब दें, और उसने उनको पिन डाउन करके बड़े चर्च के डोर के आगे लगा दिया जो कि उस यूनिवर्सिटी भी था। और ये बात उसने ओपन चैलेंज की कि इन 95 क्वेश्चंस के जवाब दिए जाएं। उन क्वेश्चंस में कौन कौन से क्वेश्चन थे, क्या हमें प्रीस्ट के ऊपर अमल करना चाहिए या पोप की माननी चाहिए या खुदा की, तो खुदा तक पहुँचने के लिए क्या हमें प्रीस्ट तक जाना पड़ेगा कि डायरेक्ट बाइबल को पढ़ना पड़ेगा, बाइबल हमें पहुंचाने का रास्ता है या के प्रीस्ट या पोप या कैथोलिक चर्च। तीसरे नंबर के ऊपर क्या गुनाह, पूरी जिंदगी इंसान गुनाह करता रहे और वो क्या बख्शवाए जा सकते हैं सिर्फ पैसे दे के, तो इसका मतलब है इंतहाई गरीब आदमी तो कभी भी गुनाह नहीं बख्शवा सकता, इंतहाई अमीर आदमी कभी भी दोजख में नहीं जा सकता, और क्या भड़कीले कपड़े पहन के और बड़े बड़े चर्चेस बनाकर और जो है गोल्ड और सिल्वर को दिखाकर आप इस तरीके से पॉम्प एंड शो के साथ जो ये तकरीबात करती हैं, बाइबल में कहाँ से इसका साबित, और क्राइस्ट जीसस क्राइस्ट अपॉन हिम के ट्रेडिशन से आप साबित करके दिखाएं, ऐसे क्वेश्चंस पूछे जो कि लोगों को अपील किए, लोग धड़ाधड़ उनके साथ मिलना शुरू हो गए। अच्छा, मार्टिन लूथर जो है वो रोमन कैथोलिक ही रहना चाहता है, वो नहीं जाना चाहता किसी और चर्च में, लेकिन रोमन कैथोलिसिज्म में रहकर ही वो चाहते हैं इसको रिफॉर्म करना। लेकिन होता क्या है, जर्मनी के एम्परर को ये ख़त आता है जो पोप है उनका, कि इसको पकड़ के सजा दी जाए या एग्जीक्यूट किया जाए। अब उसकी किस्मत अच्छी है कि जर्मनी का जो उस वक्त का रूलर है वो भी पोप से बड़ा सत्ता हुआ है, बहुत तंग आया हुआ है, क्योंकि उसकी भी जो रेवेन्यू ऐसा अच्छा खासा पोप को जाता है हर साल में, तो वो बचा लेता है मार्टिन लूथर को। मार्टिन लूथर के साथ ये रॉयल फैमिली भी मिल जाती है और प्रीचिंग बड़ी तेज़ी के साथ होती है। और जो है जब ये लेटर आता है पोप की तरफ से कि वो मार्टिन लूथर को अपने ओहदे से हटाते हैं प्रीस्ट के ओहदे से, तो मार्टिन लूथर सारे लोगों के दरमियान में पब्लिक में उस लेटर को फाड़ता है और उसकी धज्जियां बखेर के नीचे रख देता है और कहता है कि मैं नहीं मानता हूं, और फिर उसके बाद वो एक नया चर्च का आगाज़ होता है जिसको कहते हैं प्रोटेस्टेंट चर्च। प्रोटेस्टेंट्स यकीन रखते हैं कि खुदा तक पहुंचने का ज़रिया बाइबल है ना कि प्रीस्ट है, वो सेंटहुड के ऊपर यकीन नहीं रखते हैं, वो इनफॉलिबिलिटी के कॉन्सेप्ट के ऊपर और पोप के सुप्रीम होने के ऊपर यकीन नहीं रखते हैं। उनके बकौल चर्च का इंतज़ाम पोप या कार्डिनल्स ना करें, बल्कि पोप का
जो आम लोग जो हैं वो चर्च का इंतज़ाम करें या फिर कमेटी बने रिलीजियस लोगों की जो कि चर्च का इंतज़ाम करें। इसके बाद बहुत ज़्यादा इसमें एक्सट्रीमिज्म भी आती है, क्योंकि प्रोटेस्टेंट चर्च में ये जो एक्सट्रीमिज्म है इस तरीके से आती है कि डांस करने पे पाबंदियां और आम कपड़े पहनने चाहिए और इंतहा की रिजिडिटी आ जाती है। सबसे पहले जो वर्ड फंडामेंटलिज्म का इस्तेमाल होता है यूरोप में, और वो रोमन कैथलिक्स इस्तेमाल करती हैं, वो इस्तेमाल करती हैं प्रोटेस्टेंट्स के लिए, और फिर उसके बाद प्रोटेस्टेंट्स के लिए टेररिस्ट्स का भी लफ्ज़ इस्तेमाल होता है, और फिर आपस में इनकी चपकलिश इस हद तक पहुंचती है कि एक दूसरे को देख नहीं सकते। जिस तरीके से हम ही आप कह सकते हैं कि हमारे सेक्ट्स में शिया सुन्नी में इतनी ज़्यादा नफ़रत है कि एक दूसरे को कत्ल भी कर देते हैं, वो भी एक दूसरे को कत्ल करते थे, मारते थे, और फिर इस तरीके से एक अफरा तफरी की फ़िज़ा थी। और एक बहुत बड़ी वॉर जो है, क्योंकि ज़्यादातर यूरोप नॉर्दर्न कंट्रीज़ के ममालिक इसमें नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, जर्मनी, पोलैंड और ये वाले जो हिस्से हैं ये प्रोटेस्टेंट्स हो जाते हैं, और इसके साथ ब्रिटेन भी प्रोटेस्टेंट हो जाता है। बाकी हिस्से खासतौर पे सदर्न पार्ट्स जो हैं वो कैथोलिक्स रहते हैं। सदर्न पार्ट्स में कौन कौन सा है? स्पेन है, इटली है, ग्रीस है, और ये चर्चेस हैं ये कैथोलिक्स रहते हैं, और ऊपर वाले हिस्से ज़्यादातर हो जाते हैं प्रोटेस्टेंट्स। बीच में दरमियानी 50-50% सेंट्रल यूरोप में, और एक वॉर छिड़ जाती है कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट फिरकों में, उसको कहते हैं 30 ईयर्स वॉर, और वो वॉर रिलीजियस वॉर है, रिलीजियस वॉर। 30 साल ये वॉर रहती है और वेरी डेवस्टेटिंग। इसमें होर्ड्स ऑफ रिलीजियस मिशनरीज दे वेंट आउट ऑन रैम्पेज एंड दे किल्ड विद ब्रुटैलिटी the opponents of their sects, even के दूसरे sects की कब्रों को उखेड़ के बीच में से मुर्दे निकाले जाते थे, उनको जलाया जाता था, और इसी तरीके से आम लोग भी दूसरे चर्च के जब पकड़े जाते हैं तो उनको एक सीरीज़ में दरख्तों के साथ लटका के तो उनको फांसियाँ दी जाती थीं। तो इतनी ब्रुटैलिटी यूरोप में वर्ल्ड वॉर वन से पहले नहीं देखी गई जितनी ब्रुटैलिटी इस 30 ईयर्स वॉर में देखी गई। और कहा जाता है कि इस वॉर ने यूरोप की रूट्स को हिला के रख दिया। और जब ये वॉर ख़त्म होती है, कब वॉर होती है? 1618 से लेकर 1648 तक, 1618 टू 1648 ये वॉर होती है, और 1648 में एक ट्रीटी साइन होती है जिसको कहते हैं वेस्टफालियन ट्रीटी। वेस्टफालिया जो है वो नॉर्थ वेस्टर्न जर्मनी में एक इलाका है, उसको कहते हैं वेस्टफालिया, और उस वेस्टफालिया के ऊपर ये ट्रीटी साइन की जाती है। और इस ट्रीटी के ज़रिए से ये कहा जाता है यूरोपियंस अग्रीड अपॉन दैट पॉइंट दैट एवरी स्टेट शुड बी इंडिपेंडेंट, देयर विल बी नो रोल ऑफ रिलीजन और पोप इन टू द इंटरनल मैटर्स ऑफ एनी स्टेट, that states sovereign or the king would be all in making decisions whether which religion or which church he wanted to believe in, ये उसके दायरे अख्तियार में होगा। पैसे जाना बंद हो गए पोप को, और इसके बाद से कहा जाता है सेकुलरिज्म की इब्तिदा। सेकुलरिज्म मीन्स सेपरेशन ऑफ चर्च फ्राम दी गवर्नमेंट। जब ये चर्च की और रिलीजन की और स्टेट की आपस में डिवीजन हुई या सेपरेशन हुई, उसके बाद कहते हैं सेकुलरिज्म। और फिर यूरोप ने सही तरीके से तरक्की करनी शुरू कर दी जब रिलीजन आहिस्ता आहिस्ता साइड पे हो गया। तो हम यहाँ तक, मैंने आपको रिलीजियस हिस्ट्री की बात सुनाई है और उसके साथ उनकी पोलिटिकल डेवलपमेंट हुई, क्योंकि रिलीजन से ही पोलिटिकल डेवलप आगे की तरफ आती है।